आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में बारिश और वर्षपात की संभावना, देश के किन किन राज्यों में अब बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इसी अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में आज जमकर बरसेंगे बादल, पूरे उत्तर भारत को कवर कर लेगा मानसून। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक और केरल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं बीते कई दिनों से पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में हो रही बारिश में अब कमी दर्ज हो सकती है, हालांकि वर्षा का दौर जारी रहेगा। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के जिन इलाकों में अभी तक मानसून नहीं पहुँचा है वहाँ आज कल में मानसून पहुँचने की संभावना है। ये प्रबल यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से प्रबल संभावना जताई जा रही है। वे मौसम विभाग के मुताबिक अभी तक मानसून की जो उत्तरी सीमा है बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अम्बाला और अमृतसर को होकर गुजर रही है, हालांकि अब इसमें बदलाव आने की प्रबल संभावना है। वही निजी मौसम एजेंसी स्काई मेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में 12 तारीख तक पार कर सकती है। वहीं इस वजह से इन इलाकों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज उत्तर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में और पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से आज और कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 12 जुलाई को उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से कहा कि अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार आज तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के हिस्सों, विदर्भ और मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, पूर्वी मध्य प्रदेश और हिमालय, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत के बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों और हरियाणा, दिल्ली और बाकी पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु और दक्षिणी रॉयल सीमा और लक्षद्वीप और दक्षिणी गुजरात में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। चलिए बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम समाचारों की। तो बिहार के कई इलाकों में आज हल्की बारिश के आसार। बिहार का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। वे मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में हो रहे बदलाव के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वही मौसम विभाग केंद्र के अनुसार आज राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश के आसार बने हैं। वही सोमवार से राज्य के कुछ इलाकों में मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। लगातार बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज, सिवान, सारण आदि जिलों में जून जुलाई के दौरान तकरीबन हर रोज बारिश यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा बक्सर, गया और पटना, जहानाबाद में भी पर्याप्त बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने कल यहाँ पर बताया है कि कल यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हुई है। कल 170 mm बारिश चनपटिया में हुई है, गोपालगंज में 70 mm और गया में 60 mm बारिश हुई है। इसके अलावा प्रदेश के अनेकों स्थानों पर बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए बात करते हैं अब राजस्थान राज्य के मौसम समाचारों की। तो राजस्थान के कई संभागों में आज भारी बारिश की है संभावना। राजस्थान में मानसून की बेरुखी ने लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन अब लोगों का इंतजार खत्म होने को है। वही मौसम विभाग की माने तो आज उदयपुर और कोटा संभागों के जिलों में भारी बारिश होगी। वही उदयपुर संभाग में तो यहां पर तेज बारिश के कारण कई इलाकों में यहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उदयपुर संभाग तो तितर बितर हो जाएगा और बारिश का सिलसिला 2-3 दिन तक यहाँ पर जारी रह सकता है। वही राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पर कल शाम से यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, जबकि तेज बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। इन इलाकों के लिए अगले हफ्ते तक मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। मौसम में तरावट के चलते पर्यटकों की संख्या में राजस्थान में इजाफा होने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि आज से 13 जुलाई तक प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश होगी। वहीं भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग की ओर से ये येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। वहीं इसी तरह यहाँ पर 12 जुलाई को
भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, गंगानगर जिलों में यहाँ पर भारी बारिश और 13 जुलाई को अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्मी का कहर अब लगातार चल रहा है, इसके कारण कई इलाकों में गर्मी पड़ रही है, लेकिन आज इससे राहत मिल सकती है। वहीं मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार कुछ इलाकों में आज बारिश की संभावना है। राजस्थान के अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा और धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और पाली और जोधपुर, झालोर और आसपास के जिलों में बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। हिमाचल प्रदेश में आज से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, दो दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हुआ है जारी। हिमाचल प्रदेश में आज से भारी बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग केंद्र शिमला ने मैदानी और पूर्व पर्वतीय इलाकों में आज से यहां पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 16 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से मौसम विभाग की ओर से मौसम को लेकर अलर्ट यहाँ पर जारी किया जा रहा है, जो सफल साबित हो रहा है। हालांकि शुक्रवार रात को प्रदेश में कई इलाकों में बादल यहाँ पर बरसे हैं। वहीं राजधानी शिमला में शनिवार को बादल छाए यहाँ पर रहे, कुछ इलाकों में हल्की धूप यहाँ पर खिली, वही हल्की बारिश भी हुई है। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम है वो मिला जुला यहाँ पर रहा। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 39 डिग्री और बहादुर में 35, बिलासपुर में 34 डिग्री दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के हैं आसार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज झमाझम बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज यूपी के कई इलाकों में बारिश होगी। वहीं मानसून की वजह से इस बार पूरे हफ्ते में बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली NCR समेत यूपी में भारी बारिश के आसार है। वहीं देर रात पश्चिमी यूपी कई जिलों में जमकर बारिश हुई है। यहाँ लगातार कल बारिश यहाँ पर जारी रही थी, आज भी यहाँ पर बारिश जारी रह सकती है। वहीं पश्चिमी यूपी के कई शहरों में 3 दिन बाद बारिश के संकेत यहाँ पर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। वहीं देर रात पश्चिमी यूपी के कई शहरों में झमाझम बारिश के चलते लोगों ने यहाँ पर राहत की सांस ली है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अब लगातार बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। वह आसमान में बादल होने से मौसम ठंडा बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी यूपी में बारिश का सिलसिला अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा। वहीं बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, बुलंदशहर, शामली में बारिश के यहाँ पर मौसम में थोड़ी बदलाव यहाँ पर आया है। वहीं दक्षिणी पूर्वी हवाएं चलने की यहाँ पर संभावना है। वहीं कल यहाँ पर मेरठ और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा है। वहीं 1 जुलाई 2012 को यहाँ पर मेरठ में 42 डिग्री के आसपास तापमान मापा गया था। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज दक्षिणी पूर्वी हवाएं चलने से मौसम में बदलाव होगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के आज कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। यूपी में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान कल यहां पर आगरा में दर्ज किया गया है, जबकि वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ, बरेली, झांसी में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मध्य प्रदेश में गर्मी के बाद मानसून ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। मानसून ब्रेक के बाद भीषण गर्मी के कारण लोग बेहाल हो गए थे, हालांकि मानसून फिर सक्रिय होने के कारण लोगों ने राहत की सांस यहां पर ली है। वहीं पिछले कुछ घंटों से मध्य प्रदेश में हुई बारिश ने इसके संकेत दे दिए हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं बीते 24 घंटों में प्रदेश के सागर, ग्वालियर, रीवा और चंबल, भोपाल, होशंगाबाद और उज्जैन जिलों में कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है। वहीं भोपाल में कल सुबह 6 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो करीब 2 घंटे तक चला। इसके बाद तापमान में गिरावट यहां पर देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इसमें भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद और रीवा, ग्वालियर और शहडोल, चंबल संभागों के कई जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में बादलों की चमक के साथ कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने के भी आसार जताए गए हैं। अब बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम समाचारों की। तो झारखंड के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट हुआ है जारी। झारखंड की राजधानी रांची का मौसम
यहाँ पर आज सुबह से सुहाना बना हुआ है। वही आसमान में हल्की से मध्यम धुंध देखने को मिल रही है। वही हवा में आर्द्रता का स्तर यहाँ पर 97% होने के कारण रांची में धुंध का असर देखा जा रहा है। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया गया है कि राजधानी रांची में हल्की से मध्यम तो एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, साथ ही मेघा गर्जन और वज्रपात की संभावना भी है। वही मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। वही इसका असर झारखंड सहित पश्चिम बंगाल उड़ीसा पर देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में इसका असर गहरा होने की संभावना है। वही मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज मानसून सामान्य रूप से सक्रिय रहने की संभावना है। इसके साथ ही विभिन्न जिलों में आज भी मेघ गर्जन के साथ वज्रपात तो कुछ इलाकों में मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। वर्तमान में राज्य के 3 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। इसमें चतरा में 14%, गुमला में 22% और सिंहभूमि में 15% बारिश कम दर्ज की गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून सक्रिय रहा है। इसके कारण राज्य में सबसे ज्यादा बारिश रामगढ़ में 80 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि राजधानी रांची में केवल बूंदाबांदी दर्ज की गई है। वहां सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में 34 डिग्री दर्ज किया गया है और जबकि सबसे न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रांची में रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम विभाग के समाचारों की। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में मलबे से 12 सड़कें हुई है बंद। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टेहरी जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग की ओर से इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही मौसम विभाग ने भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से सारी एहतियाती कदम उठाने की जरूरत यहाँ पर बताई है। वही यहाँ पर भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी और भूस्खलन की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही कुछ इलाकों में हाईवे वगैरह रोड वगैरह क्षतिग्रस्त होने की संभावना जताई गई है।